आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। स्टार्ट करते हैं। द केमिस्ट्री विच डील्स स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन बॉडी, मतलब केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, जो क्या करता है, अध्ययन करता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट का, अकार्बनिक तत्वों का इन बॉडी, हमारे शरीर में। ओके, मतलब इसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फलस्वरूप हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बॉडी में तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनका अध्ययन करते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इन्वॉल्व मेनी एलिमेंट विच आर इसेंशियल, हमारे लाइफ में या हमारे जीवन के लिए या हमें जीवित रखने के लिए बहुत सारे एलिमेंट हमारे बॉडी में होने ही चाहिए, उसे क्या कहते हैं, इसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। द लिविंग इनऑर्गेनिक हैव टू टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जो जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी बनी हुई टू टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, दो घटकों से मिलकर उनकी बॉडी बनी होती है। अब कह सकते हो लिविंग होता है, जो सजीव होता है, वो दो प्रकार के यौगिक हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ठीक है, दो प्रकार के घटक हैं लिविंग बॉडी के फॉर्मेशन के लिए। ऑर्गेनिक कितना है, 90%, इनऑर्गेनिक ओनली 10%। अब ऑर्गेनिक हम छोड़ते हैं क्योंकि हमें किसका अध्ययन करना है, इनऑर्गेनिक का। अब देख लीजिए, इनऑर्गेनिक 10% में क्या क्या है, एक है इसेंशियल एलिमेंट, दूसरा है नॉन इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट में क्या है, उसको कह सकते हैं मेजर एलिमेंट और मतलब माइक्रो एलिमेंट। नॉन इसेंशियल में क्या है, माइनर एलिमेंट और क्या कह सकते हो, माइक्रो एलिमेंट। ये माइक्रो ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ये है माइक्रो कम मात्रा में चाहने वाला एलिमेंट। फिर द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी, जो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो ऑर्गेनिक घटक होते हैं, वे मुख्य भाग होते हैं हमारी बॉडी का, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, 90% भाग बनाते हैं ऑफ द बॉडी, या कह सकते हो हमारा सॉलिड पार्ट वो ऑर्गेनिक का बना होता है। द 10% पार्ट ऑफ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ये आपको पता है यहां से। नेक्स्ट आते हैं, ऑल दो यद्यपि, अगर देखा जाए, अब क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, हम अध्ययन करते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट का। ऑल दो दीज एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्मॉल अमाउंट ऑफ टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी, ये क्या करते हैं, ऑल दो यद्यपि दोज एलिमेंट, ये एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब निर्माण करते हैं, स्मॉल मीन्स छोटे अमाउंट माने भाग का ऑफ टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट, संपूर्ण घटक ऑफ बॉडी शरीर के, ये क्या करते हैं, एलिमेंट कम स्मॉल अमाउंट ऑफ टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, ये क्या करते हैं, पूरे बॉडी का बहुत छोटा सा ही भाग बनाते हैं, बट हैव इम्पॉर्टेंट रोल, लेकिन क्या करते हैं, बहुत मुख्य होते हैं हमारे बॉडी के लिए। लिखा एनालिसिस ऑफ एनिमल टिश्यू इंडिकेट्स दैट दीज आर कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट, सम ऑफ देम आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ, जो क्या करते हैं, आवश्यक होते हैं ग्रोथ के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी आर नॉन एज इसेंशियल एलिमेंट, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं उसे कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
रीसेट ऑफ दीज एलिमेंट आर नॉन इसेंशियल एलिमेंट, इसके अलावा जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। द इसेंशियल एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाई बॉडी इन लार्ज अमाउंट, जो अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है उसको कहते हैं मेजर एलिमेंट। एंड इफ दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, अगर कम मात्रा में आवश्यकता होगी उसे कहेंगे माइक्रो एलिमेंट। अब इसेंशियल में हम देखते हैं 10+5 15 एलिमेंट हमारे इसेंशियल होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम पोटेशियम सोडियम और मैग्नीशियम, जिंक मैग्नीज मोलिब्डेनम बी बेरिलियम और कॉपर, ये 5 एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं इसेंशियल हैं, ये 10 एलिमेंट भी इसेंशियल हैं। ठीक है, दोनों मिला के इसेंशियल कितने हो गए, 10 ये प्लस 5 ये वाला हो गए 15 एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं और बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, इसको कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसेंशियल एलिमेंट आर नोन एज इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट को हम इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट भी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि दीज एलिमेंट आर नेसेसरी फॉर लाइफ, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। माइक्रो एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बॉडी, ये हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं लेस देन 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम से भी कम मात्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट की हमारे बॉडी में होती है। इफ दे आर प्रेजेंट मोर देन 1 मिलीग्राम, अगर ये 1 मिलीग्राम से ज़्यादा उपस्थित हैं तो उसे कहेंगे माइक्रो एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जल्द ही। थैंक यू।